हेलो फ्रेंड्स और अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ESSL के ई टाइम ट्रैक लाइट इस डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के एक एरर के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ इस्माइल मनेरी और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल आई विजन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस। तो चलिए चलते हैं उस एरर के बारे में जानते हैं, वो क्या एरर है और उसका क्या सॉल्यूशंस है। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हर स्टेप को गौर से समझिएगा, एक भी स्टेप को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया है मेरे डेस्कटॉप पे। यहाँ पे जब हम ESSL यूज़र नेम और पासवर्ड, जो इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, ये इससे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे इस टाइप का एरर आता है, बैकअप फेल्ड एक्सेस टू द पाथ C/program files। इस तरह का एरर अगर आता है आप लोगों को भी, अगर इस तरह का एरर आया है तो इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए आप जाइए लोकल डिस्क सी में, प्रोग्राम फाइल्स 86 में, यहाँ पे ESSL पे क्लिक कीजिए और ई टाइम ट्रैक लाइट पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे गिव एक्सेस टू, इसमें जाइए, गिव एक्सेस टू में एडवांस शेयरिंग, इस ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे सिक्योरिटी में जाइए, इसके बाद एडिट, जो एडिट का ऑप्शन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद ऐड पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप टाइप कीजिए एवरीवन। ये एवरीवन टाइप करने के बाद चेक नेम्स साइड में आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा, चेक नेम्स, उस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद ओके कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे फुल कंट्रोल अलाउ में जो फुल कंट्रोल है का बॉक्स है उसके सामने, उसको टिक कीजिए, अप्लाई कीजिए और ओके कर दीजिए। अब दोबारा आप एप्लीकेशन ओपन कर दीजिए, यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर दीजिए। अभी आपको लाइसेंस की अपडेट करने के बारे में पूछेगा, तो आप लाइसेंस की जहाँ से आपने सिस्टम खरीदा है वहाँ से आपको फर्स्ट टाइम लाइसेंस की मिल जाएगा। उसके बाद आफ्टर वन ईयर के बाद आपको रिन्यू करना है, तो कैसे करना है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पे जाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि इसी तरह की नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ, CCTV कैमरास पे भी वीडियो बनाते रहता हूँ और भी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए।